हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरबजीत सिंह और आप देख रहे हैं टेक कैस्ट के। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि ओप्पो A16e में आप अलार्म कैसे सेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले फ़ोन की क्लॉक में जाना है। क्लॉक में जाने के बाद दोस्तों आपको अलार्म पर क्लिक करना है और यहाँ से प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है और इसके बाद आपको यहाँ पर टाइमिंग सेट कर लेनी है। तो चलिए हम टाइमिंग सेट कर लेते हैं अलार्म के लिए। तो यहाँ पर मैंने 5 बजे की टाइमिंग सेट कर दी और यहाँ पर AM/PM सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों अगर आपको एक दिन के लिए अलार्म सेट करना है तो आपको रिंग वंस पर क्लिक करना है। अगर आपको डे सेलेक्ट करना है खुद से तो आपको कस्टम पर क्लिक करना है और यहाँ पर रिपीट की ऑप्शन आ जाएगी। रिपीट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप दिन सेलेक्ट कर सकते हैं किस किस दिन को आपको अलार्म सेट करना है, मतलब चाहिए। तो यहाँ पर आपको रिंगटोन पर क्लिक कर देना है रिंगटोन सेट करने के लिए। यहाँ पर आपको बहुत सारे रिंगटोन्स मिल जाएंगे, आपको जो भी रिंगटोन सेट करनी है आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है, रिंगटोन सेट हो जाएगी। अगर आपको इंटरनल स्टोरेज से रिंगटोन सेट करनी है तो आपको सिलेक्ट फ्रॉम फाइल्स पर क्लिक कर देना है, यहाँ से आप कर सकते हैं। अगली ऑप्शन है वाइब्रेट की। अगर आपको वाइब्रेशन चाहिए अलार्म में इसे ऑन कर देंगे, नहीं तो इसे ऑफ कर देंगे और अगली ऑप्शन को ऑन रखेंगे। इसके बाद आपको टिक पर क्लिक कर देना है, अलार्म सेट हो जाएगा।